देखो क्या ही है। गेट के बाहर निकलो, रात के टाइम पे बाजा बज रहा है यहाँ पे प्राइम फंक्शन हॉल में। अरे जाओ जाओ जाओ, लाइट फ्लैश चलो जी, फ्लैश चलो, फ्लैश चलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अबरार है और हम लोग 6 दिन से एक फंक्शन कर रहे हैं और हम लोग वीडियोग्राफर आए सांचक से कर रहे हम लोग सांचक शादी वलीमा। कल वलीमा था प्राइम फंक्शन हॉल में और हम लोग लेडीज में ठहरे हुए थे। दुल्हन की तबीयत खराब हो रही थी तो बाजी आके बोले मेरे को दुल्हन के तबीयत खराब हो रही बोल के, तो मैं हमारे फोटोग्राफर साहब को बोला दुल्हन की तबीयत ख़राब हो रही बोल के फ़ोटो जल्दी ले लो, ले लेके बिठा दो दुल्हन को बोल के बोला। बोलने के बाद 11 बजे ये बात बोले उन्होंने। बोलने के बाद मेन टेबल होने के बाद मेरे को लेडीज़ में ले लेके जाके बात करेंगे बोल के लेके गए, लेके जाके मेरे को मार दिए। तो हमारे फोटोग्राफर साहब बचाने हैं मेरे को, उनको भी मार दिए, मेरे को गिरा के मारे लातों से, जो हाथ जैसा बोले वैसा मारे मेरे को। एक को एक जना छुड़ा रहा, मारने वाले कौन है ये दुल्हन के भाया और दूल्हे का बड़े दूल्हे के भाई मारे मेरे को, दूल्हे के भाई और दुल्हन के भाई। हाँ, दुल्हन के वालिद साहब, दूल्हे के वालिद साहब और दूल्हा दोनों मिल के बचाए मेरे को, नहीं बोले तो उल्ला नहीं रखते थे मेरे को। क्या चीज से मारे, हथियार वगैरह से मारे? हाथों से मारे, पैरों से मारे मेरे को, नीचे गिर गया था मैं। फिर हमारे वालिद साहब आए, दूल्हे के वालिद साहब आए, आके बचाए। बचाने के बाद मैं मीडिया को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ भाई बोल के बोला मैं मीडिया को। मीडिया बात करने के बाद से आई वहाँ पर, आने के बाद उल्ला बात करने है तो मेरे दोस्तान समझ के उन लोगों को भी मार दिए, उन लोगों को मार दिए। तो हम लोग कंप्लेंट करे पीएस में कंप्लेंट करे, ये चीट है, कंप्लेंट करे। तो पुलिस से यही चाह रहा हूँ मैं, तहकीकात नहीं करे पहले तो, मेरे से पूछे नहीं करे, नहीं कुछ भी नहीं करे, ना दुल्हन के भाई पूछे ना दूल्हे के भाई पूछे क्या हुआ बोल के, खाली लेडीज की बात सुने और मेरे को मार दिए। ऐसा क्या करा था बोल के मारे मेरे को, ये बोलिए आप। खाली इतनी सी बात पे खाली दुल्हन को बैठा दो बोलने के इतने पे मार दिए मेरे को। मैं इतना चाह रहा हूँ पुलिस से मेरे को इंसाफ दिलाओ, और मैं इंसाफ चाह रहा हूँ बस, पुलिस से मेरे को इतनी बात बोलना है कि मेरे को इंसाफ दिलाओ।